हमारे साथ मौजूद हैं घोंडा विधानसभा के विधायक अजय मावर जी। अजय जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतनी बड़ी परचेंट जीत जो हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद धर्मेंद्र जी, मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में एक लंबे संघर्ष के बाद ये मौका मिला था और उसमें जो सफलता मिली है, हर वर्ग, हर धर्म, हर आयु से मुझे आशीर्वाद मिला है और इसलिए 20 राउंड में से 19 राउंड हम जीते हैं, हर क्षेत्र से जीते हैं। कोशिश करेंगे कि सबके विश्वास पर खरा उतरूं और क्षेत्र के लिए कोई सेवा कर पाऊंगा। ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं सबके विश्वास पर खरा उतरूं। ऐसे कौन से काम हैं जो अब आपके दिमाग में हैं, जो करने हैं अब क्या MLA बनते ही? नहीं, MLA बनते ही मेरे पास 5 से 10 पॉइंट का एजेंडा ऑलरेडी है, जो मैंने मंचों से काफ़ी कहा है, उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। 5-6 पॉइंट्स हैं जो लगातार हर मंच से कहा है, मेरे पंपलेट्स में भी कहा है। समय आने दीजिए, अभी तो समय बाकी है, जब वोट हो जाएगी उसके बाद फिर अपने काम में लगेंगे। पीछे हमारी आपसे कई बार बात हुई कि क्षेत्रों में काफ़ी गंदा पानी आता है और बिजली की भी समस्या, कई जगह जाल बना हुआ कई गलियों में, मार्केटों में, उनसे कैसे निपटारा करेंगे? मैंने कहा ना कि 10 पॉइंट हमने बना रखे अपने और उन 10 पॉइंट में ये सब बातें भी हैं जो आप कह रहे हैं, हम करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। मुझे पीड़ा सिर्फ इतनी है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, सरकार बनने के बाद शायद ज़्यादा खुलकर बैटिंग कर पाता, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी प्रभु ने लिखा है सकारात्मक ढंग से हम सदन में भी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और अपने क्षेत्र का काम भी करेंगे। अभी आपके पीछे 3 ही विधायक थे विधानसभा में, अब आप 7 हो गए हैं, मार्शल से निकलवा देते थे अब तक, अब 7 हो गए हैं, तो कैसे डट के मुकाबला करेंगे मार्शल से भी और अरविंद केजरीवाल से भी? हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और रचनात्मक कार्यों पर जोर देंगे और केजरीवाल जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि 7 विधानसभा को अलग दृष्टि से ना देखें, 70 को एक निगाह से देखें, वो सबके मुख्यमंत्री हैं और सभी विधानसभा में बराबर से सबको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी नौबत नहीं आएगी। कितनी सीटों की उम्मीद थी तो आपको दिल्ली से? तो मुझे तो पूर्ण बहुमत से सरकार की उम्मीद थी। लगता नहीं कि बिजली पानी पे ही जीत गई अरविंद केजरीवाल? अब ये तो एक समीक्षा का विषय है चुनाव के बाद, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली तो देख नहीं रहा था, मैं तो घोंडा पर ही फोकस था और घोंडा के अचीवमेंट आपके सामने हैं। घोंडा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको वोट किया, आपको जिताया, एक बार उनके लिए कुछ कहें? नहीं, घोंडा के सभी लोगों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। मैं जो भी हो सकता है उनके लिए, जैसे अपने माँ बाप की सेवा की जाती है, मैं घोंडा की जनता की सेवा करूँगा। ये थे हमारे साथ विधायक अजय मावर गोंडा विधानसभा से। देखिए, ये एक कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन ने एक कार्यकर्ता को टिकट दी और जनता ने उन पर विश्वास जताया है, तो इतनी भारी बहुमत से जो विजय हुई है ये जनता की विजय है, एक कार्यकर्ता की विजय है, क्योंकि ये एक घोंडा के लिए भी एक रिकॉर्ड है। आज तक इतनी रिकॉर्ड मतों से किसी की विजय नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ने अजय मावर जी में विश्वास दिखाया है और अजय मावर जी उसको पूरा भी करेंगे। जिस तरह से गृह मंत्री ने रैली करी थी, क्या उसका असर विधानसभा में देखने को मिला था? निश्चित रूप से, गृह मंत्री भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जिस प्रकार से सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने कार्य में लगे हुए थे, तो हमारे यहाँ पर गृह मंत्री ने भी रैली की और वो रैली ने एकदम माहौल को बदल दिया था। वैसे तो जनता चाहती थी, उससे हमारे को और प्रचंड बहुमत मिला है और आज आपने देख ही लिया है कि रिकॉर्ड मतों से घोंडा विधानसभा हम जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतनी प्रचंड जीत हुई है घोंडा विधानसभा में बीजेपी की? जी, बहुत बहुत जनता का धन्यवाद, हमारे वोटर्स का धन्यवाद और देव तुल्य हैं हमारे कार्यकर्ता, उनका धन्यवाद और फिर धन्यवाद मेहनत का अजय महावर जी का, धन्यवाद हमारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने लगन से पूरे 15-20 दिन काम किया और ईश्वर ने ही हमें आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से दिल्ली में हालात हुए उसके हिसाब से तो ये जीत बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। आपका भी बड़ा योगदान रहा, क्लिनिक को छोड़ छोड़ के यात्रा में रहे, पद यात्रा में रहे, नुक्कड़ नाटकों में, नुक्कड़ सभाओं में रहे। जी, कितना बड़ा अपना योगदान मानते हैं? मैं बहुत बड़ा योगदान नहीं मानता, एक व्यक्ति का योगदान कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, पर महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपने राष्ट्रीयता के लिए और अपनी धर्म की एकता के लिए कार्य किया है और वो कार्य सफल हो गया है, तो मुझे लगता है बूंद बूंद करके सभी का ये प्रयास है। मैं कोई इतना अपना नहीं प्रयास मानता, लेकिन हम भी 6 महीने से जिस प्रकार से एक्टिव थे तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में जिंदा रही। क्या कारण मानते हैं कि श्री दत्त को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? थोड़ा सा विधायक के रूप में उनका
मूवमेंट जो है वो थोड़ा जिस तरीके से विधानसभा में कम रहा, और जो ज़मीन पर जो मुद्दे थे खराब पानी के, प्रदूषण के, पूरी दिल्ली के मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दे जो स्पेशली कुछ कॉलोनियों में हमारे विधानसभा के थे उनको सॉल्व ना कर पाना मुद्दा रहा। और ये जो बहुत बड़ी एक उन्होंने फ्री शिप की केजरीवाल जी ने हुई, वो असफल इसीलिए हुई क्योंकि ज़मीन पे जो काम होने चाहिए, हर विधानसभा का अलग अलग काम होता है, जहाँ पे खेलने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है ठीक से, कॉलेज नहीं है, उनका हमें बड़ा फ़ायदा मिला। और हम इसको पूरा कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसा काम अपने विधायक अजय महावर जी के नाते जो है उनसे करवा के इस क्षेत्र को पूरा अच्छा बनाएंगे। कितनी सीटें आने की उम्मीद थी आपकी दिल्ली में? नहीं देखिए, डर तो लग ही रहा था जब से पोल था, लेकिन हमें लग रहा था कि टक्कर होगी 25 से 45 के बीच में कहीं भी, 30-35 पर भी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन तो ये तो बहुत कम रही। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेहनत करी, हमें एक निराशा मिली है। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।